Good morning everyone. Today is 21st October 2020 and this is a Yahoo day for me. Yahoo moment. Yahoo moment क्या होता है? Yahoo moment वो होता है जब आपकी life में कुछ बहुत अच्छा होता है और आज मेरी life का वही Yahoo moment है क्योंकि आज हम जा रहे हैं lockdown के बाद अपने पहले long trip पर जो कि है मनाली and जिस्पा। चलो तो जल्दी से अब आप लोगों को बता देता हूँ हमारा प्लान की आउटलाइनिंग क्या है, हमारी आइटिनरी क्या है। तो भैया प्लान ये है कि यहाँ से हमें निकलना है रात को लगभग 10:30 बजे। 10:30 बजे हम लोग अमरोहा से निकलेंगे। यहाँ से मनाली है लगभग 650 किलोमीटर, नॉन स्टॉप हम लोगों को जाना है। तो 10:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मैं और मेरे ब्रदर तारिक और तीसरा भी एक हमारा पार्टनर हो सकता है लेकिन उसकी अभी कच्ची टिकिया है तो हो सकता है वो जाए, हो सकता है कि नहीं भी जाए। अगर वो गया तो हम लोग तीन होंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे मुरथल, मुरथल में हम पिक करेंगे अपने फोर्थ पार्टनर को या मे बी थर्ड पार्टनर को, जो है मेरा दूसरा कज़न अब्दुल्ला जो कि लास्ट ईयर हमारे साथ लद्दाख भी गया था। तो वहाँ से उसको पिकअप करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू मनाली। तो चलो जल्दी जल्दी अब तैयारी करते हैं। भाई नीचे जाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत अपना पैकिंग शैकिंग का सामान भी मुझे देखना है, मैनेज करना है और उसके बाद थोड़ी देर सोच रहा हूँ सो लूँ। थोड़ा सो गया तो आई थिंक एनर्जी आ जाएगी, रात को जागने में भी आसानी रहेगी। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ एंड फिर मिलते हैं शाम को। टाइम हो गया है रात के 10 और मैं वेट कर रहा हूँ अपने बड़े भाई का, अपने पहले पार्टनर का। और ये आ गए हैं हमारे फर्स्ट पार्टनर, रेडी टू रोल स्कूटी से। मिस्टर उमेर आ चुके हैं गाड़ी में, हमारे साथ बैठ चुके हैं। एक घंटे के बहुत ही खतरनाक वाले जाम से जूझने के बाद हम लोग आ गए हैं अमरीक सुखदेव पर। मिस्टर तारिक थके हुए, मिस्टर उमेर थोड़े से खुश होते हुए और मैं, और अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ अपने चौथे पार्टनर से। और सबसे ज़्यादा हमारे जो है इस पूरे टूर में हमारा दिल का मनोरंजन करने वाले एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, स्वागत करिए तालियों के साथ श्री अब्दुल्ला जी का। और मिस्टर अब्दुल्ला बाइकिंग अपना बैग बैग टांग के ऐसे आए हैं जैसे एवरेस्ट की चोटी को ही नहीं फतेह करना है आज। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई होप यू एंजॉय दिस ट्रिप। जो लगा के है जो लगा के है आपका ट्रैफिक बहुत लंबा था, वो अब वाला अब्दुल्ला जो थे वो ये समझ रहे थे कि हम लोग जो है वो पहुंच गए। अबे रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब्दुल्ला समझ रहे थे कि हम लोग पहुंच गए और हम लोग पहुंचे भी नहीं थे। अब्दुल्ला यहाँ पे आके हमें ढूंढ रहे थे, फिर बहरहाल काफ़ी फनी मोमेंट था और बहुत मज़ा आया। अब्दुल्ला को जो था वो पोपट बना दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक चाय कॉफ़ी का, थोड़े से थक चुके हैं और चाय कॉफ़ी लेके थोड़ा रिफ्रेश होके मुँह धो के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब्दुल्ला भाई की हालत डाउन हो चुकी है, काफ़ी थके हुए लग रहे हैं ये लग तो नहीं रहे हैं, पीवा से तो पीछे बैठ के इन्होंने खूब खर्राटे मारे हैं तो इनका तो ठीक होना बनता है लेकिन मैंने भी ऐसे थोड़ा सा तो नींद ले ली हर आदमी ये मैं बिल्कुल नहीं सोया, एक सेकंड नहीं सोया, हर आदमी ये प्रूफ करने में लगा हुआ कि मैं कम सोया। एक्चुअल बात यह है कि सबसे कम तारिक भाई सोए, क्योंकि एक भी इनफैक्ट वो सोए नहीं क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे रामू काका तो सोने का सवाल ही नहीं था, अगर वो सोते तो फिर सभी सो जाते तो इसलिए इनको सोना नहीं था। और कॉफ़ी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, थोड़ी सी नींद भागेगी मुँह धो के फिर उसके बाद अब अब्दुल्ला की बारी है चलाने की। अल्लाह वाली के मैं दुआ करूँगा कि अब्दुल्ला ठीक ठाक चला ले और हमें भैया पहुँचा दे अपनी। बिस्किट एंड कॉफ़ी, कैसी है कॉफ़ी? नहीं मैं तो ठीक ही लग रही है,
बढ़िया आपने करी थी सुबह के बज गए हैं 7:09 और हमने अब देख लिया है हिमालय का पहला ग्लिम्स। दूर से हमें दिख रहे हैं हिमालय के छोटे छोटे पहाड़। अभी स्टार्टिंग है, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने, शायद इसमें दिखेंगे नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो एडिट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। और एक आगे ब्रिज आने वाला है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में फुटेज दिखाता हूँ। टाइम हो गया है 9:30 और मनाली रह गया है यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर। बहुत बुरी हालत हो चुकी है, थक चुका हूँ पूरी बुरी तरह से। ऑलमोस्ट सभी लोगों की वही हाल है, सब लोग ये कूल जो बोल रहे हैं अपने, ये जो लोग कूल बोल रहे हैं अपने आप को, ये सब दिखावा है, इनके दिखावे पे ना जाएं, सिर्फ व्लॉग के लिए कूल बता रहे हैं। सबकी हालत खराब है एज सच, और मेरी भी हालत ख़राब है। रुक गए हम फिलहाल एक छोटे से रेस्टोरेंट में, यहाँ पर करेंगे कुछ नाश्ता पानी और रेस्ट करेंगे, ज़्यादा तो रेस्ट करेंगे और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पूरी रात ऑलमोस्ट हो गई है हम लोगों को चलते चलते, तो आगे का सफ़र के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। लेकिन भाई एडवेंचर जो है वो धमाल वाला हो गया, लद्दाख उद्दाख की कोई ज़रूरत नहीं लगी। आप क्या कहना चाहेंगे साहब, कैसा लगा आपको ये सफ़र? अभी तक बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा, ये कहने के अलावा कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। कह रहे हैं भैया अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये कहने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बॉडी ऐसी है जैसे सूद दिया है किसी ने पकड़ के, लेकिन ठीक है। ये व्यू दिखाइए, व्यू कितना प्यारा है रिवर की ना, अगर आप आवाज़ सुना सकें तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इस रिवर की, ज़बरदस्त आवाज़ तो नहीं आएगी हमारी, आ जाए बहुत बुरी बात है इस माइक में। ये माइक हमारा टुइया सा है, ये वाला हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि भाई इसमें इंसान की आवाज़ नहीं आ रही, मैं इस रिवर की आवाज़ सुनवा दो। तो भैया हमारी पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, मैं यही नहीं बता तो चलो देखते हैं भाई, देख लो। लंच वंच हो गया अपना बहुत बढ़िया करके, खाना ठीक ठाक था, घर जैसा सिंपल सा, दाल रोटी टाइप्स खा लिया पेट भर के, नींद आने लगी अब थोड़ी थोड़ी, और बस यहाँ से अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में 40-50 किलोमीटर होगा यहाँ से, 70 किलोमीटर है यहाँ से। हम तो यार कम ही समझ रहे थे, 2 घंटे लगभग 2 घंटा लगेंगे यहाँ से अभी हमारे होटल पहुँचने में हमें। वैसे होटल वाले ने बताया कि आगे रोड ठीक है, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हम जल्दी से पहुंच जाए। ये हमारे सामने पत्थर तोड़े जा रहे हैं, पूरी ट्रैफिक को रोक दिया इन्होंने। ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे थे, देर हो रही थी, उतरते टाइम से पहुंच जाएंगे होटल आराम करेंगे, लेकिन अब ये एक नया जुगाड़ सामने देखने को मिल रहा है।
finally we have reached our room. This is our room, small room. Lights full. Abdullah is laughing, I don't know why. This is our room, beautiful, lovely room, small room. और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद एक बार हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने इस वापस से थोड़ी पहली बार तो आए वापस से तो वहाँ से आए पहली बार. So finally we have reached our room in Manali. This is our hotel Kalinga Intercontinental. अगर मैं कलिंगा हटा दिया जाए तो कलिंगा इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल लगता है, कुछ बहुत ही बढ़िया फाइव स्टार टाइप का होटल होगा. बट स्टिल चाहिए काम चलाने के लिए, वर्ली बहुत अच्छा है क्योंकि हमें सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है. चेक इन कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन, रूम भी ठीक है, नीट एंड टाइडी है, काम चल जाएगा. एक रात का बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सफर था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, रोड कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से थक गए हैं. और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू मॉल आउट. करीब एक घंटे की नींद लेने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ. बाकी मेरे पार्टनर्स अभी भी सोए हुए हैं क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं. बहुत टायरिंग सफ़र था, लंबा सफ़र था, नॉनस्टॉप हम लोग 650 किलोमीटर चला के यहाँ पे आए हैं. बट इस थकान के ऊपर हमारा जो जोश है, जो हमारी खुशी है, वो अभी भी हावी है. जो जोश है, जो टेम्पो है, अभी भी हाई है. और कल जो हमारा डे होने वाला है वो सुपर डुपर एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं जिस्पा यहाँ से बाइक्स रेंट करके. और कल हम करने वाले हैं ज़िंदगी में पहली बार मोटो व्लॉगिंग. बहुत मज़ा आने वाला है. तो हमारा अगला आने वाला एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट और करना है. मनाली जाकर अभी मॉल रोड जाकर अभी थोड़ा सा खाना पीना खाना है और उसके बाद वापस आकर आराम करना है क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमें जिस्पा के लिए निकलना है. विद दैट सेड अपना बहुत ध्यान रखिए. मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मिलता हूं इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में. इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. विद दैट सेड अपना बहुत ध्यान रखिए. मैं हूं डॉक्टर सलीम, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए बहुत बढ़िया वाले मोटो व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.